सरकारी बैंकों के शेयरों पर बाजार ने दिखाई कैसी प्रतिक्रिया। बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया था। सरकार 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाना चाहती है। क्योंकि यह ऐलान शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद किया गया था, इसलिए मंगलवार को बाजार खुलने पर बैंकों के शेयरों पर इस फैसले का असर दिखा। गोल्ड रेट टुडे, सोने में शुरुआती तेजी गायब, बेचकर कमाया फायदा। सोने की कीमतों में ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला है। मंगलवार को सुबह 11:40 के आसपास MCX पर सोना अक्टूबर वायदा का भाव 5 की तेजी के साथ 39,092 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 60 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इस साल अब तक कैसा रहा है शेयर बाजार का प्रदर्शन? भारतीय शेयर बाजार में सेंटीमेंट कमजोर है, खासकर लार्ज कैप शेयरों को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। 2019 में बाजार के सूचकांकों ने अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन बाद में वे गिरकर फिर अपने शुरुआती स्तर पर आ गए। डॉलर के मुकाबले रुपया, आज रुपए में भारी गिरावट, 66 पैसे लुढ़का। डॉलर के मुकाबले रुपए में मंगलवार को भारी गिरावट दिखी। शुरुआती कारोबार में यह 66 पैसे की गिरावट के साथ 72.9 पर था। बैंकों और आयतों की तरफ से डॉलरों की मजबूत मांग और घरेलू शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत से रुपये दबाव में आ गया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।